Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today, I will teach you English Literature, Chapter 5. Chapter 5 का heading है Strong and Weak. मजबूत और कमजोर. है ना, Strong means मजबूत और Weak means कमजोर. है ना, First of all, हम लोग word meaning को लेते हैं. है ना, Once, O N C E, once, once means एक बार. T A double L, tall, tall means लंबा. S T R O N G, strong means मजबूत. Defeat, D E F E A T, defeat means हराना. H E A R, hear, hear means सुनना. Reply, R E P L Y, reply means जवाब देना. Pride, P R I D E, pride means गर्व या घमंड. Harmful, H A R M F U L, harmful means हानिकारक. Ignore, I G N O R E, ignore means अनदेखा करना. Praise, P R A I S E, praise means प्रशंसा करना. प्रशंसा करना मतलब बड़ाई करना. B L O W, blow, blow means बहना. S T A N D, stand means खड़ा होना. F I R M L Y, firmly, firmly means मजबूती से. Spread, S P R E A D, spread means फैलाना. B O W, bow means झुक जाना. है ना, झुकना. S T O R M, storm, storm means आंधी. B E A R, bear means धारण करना. Strength, S T R E N G T H, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या बल. सी ए एल एम, काम, काम मीन्स शांत. एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट मीन्स सीधा. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्ड मीनिंग को जो है कॉपी में लिखेंगे और इसको याद कर लेना है. नाउ वी स्टडी चैप्टर 5, स्ट्रॉन्ग और वीक. लेट्स स्टार्ट. Once there was a big mango tree in the garden. Once there was, एक बार एक बड़ा सा आम का पेड़ था. In the garden, यानी बगीचे में एक बड़ा सा आम का पेड़ था. The tree was tall and strong. पेड़ जो था वह लंबा था और मजबूत था. There was a small plant of tulsi next to the mango tree. एक छोटा सा पौधा, तुलसी का छोटा सा पौधा जो है वह मैंगो ट्री के नज़दीक था. द मैंगो ट्री शेड, आई एम वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. मैंगो ट्री कहता है कि आई एम वेरी टॉल, मैं बहुत ही लंबा हूँ और मजबूत हूँ. मैं बहुत ही लंबा हूँ और मजबूत हूँ. नोबडी कैन डिफीट मी, कोई मुझे नहीं हरा सकता. Hey, hearing this, तुलसी replied. इस बात को सुनकर तुलसी जो है वह जवाब देती है. Dear friend, too much pride is harmful. Dear friend, मतलब प्रिय दोस्त, बहुत ज़्यादा घमंड जो है वह harmful होता है, हानिकारक होता है. यहाँ पर लिखा है मैंने pride, pride means गर्व या घमंड. तो वही तुलसी की जो पौधा है वह कहती है कि डियर फ्रेंड, टू मच प्राइड इज हार्मफुल, बहुत ज़्यादा घमंड जो है वह हानिकारक होता है. इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग मजबूत भी एक दिन, मजबूत को भी एक दिन गिरना पड़ता है. एक दिन द मैंगो ट्री इग्नोर्ड तुलसीज वर्ड, तुलसी जो ये बात बोली इस बात को उसने अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया. ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ, और वह लगातार अपनी प्रशंसा किए जा रहा था, बड़ाई करता ही रहता था. इवन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द मैंगो ट्री स्टूड, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द मैंगो ट्री स्टूड फ्रीमली. है ना, When a strong wind blew the mango tree stood primly. जब जोर से हवा चलती थी मैंगो ट्री जो है वह सीधा मजबूती से खड़ा रहता था, यानी अकड़ कर खड़ा रहता था. Even
When it rained, it stood strongly by spreading its leaves. यहाँ तक कि जब बारिश भी होती थी तो यह मजबूती पूर्वक खड़ा रहता था और अपनी पत्तियों को फैलाकर खड़ा रहता था. At the same time, ठीक इसी समय, तुलसी वुड, the mango tree made fun of the तुलसी. और इसी समय जब थोड़ा सा आंधी चलता था या जब बारिश होती थी, स्ट्रॉन्ग विंड बहता था, तो तुलसी की जो पौधा है वह झुक जाती थी और इस बात को लेकर मैंगो ट्री जो है वह हमेशा उसकी मजाक उड़ाया करता था, तुलसी की पौधा को हमेशा मजाक बना देता था. वन डे देयर वॉज ए स्ट्रॉम इन द गार्डन. एक दिन बगीचे में खूब जोर की आंधी आई, तुलसी बोर्ड लो, तुलसी जो है वह झुक जाती है. As usual, the mango tree did not want to bow. और अन्य दिनों की अपेक्षा ट्री, मैंगो ट्री जो है वह झुकना नहीं चाहता है, यानी नहीं झुकता है. The storm kept growing stronger. और storm जो है वह और तेज होता जाता है. The mango tree could no longer bear it. और मैंगो ट्री जो है उस आंधी को बहुत देर तक नहीं सह पाता है. He felt his strength giving away. और तब उसे महसूस होता है, अनुभव होता है कि अब उसकी ताकत जो है, बल जो है, ऊर्जा जो है वह खत्म होने जा रही है, है ना. He fell down और वह गिर जाता है. This was the end of a proud mango tree. यह जो था, मतलब मैंगो ट्री का जो फॉल कर जाना जो था, गिर जाना जो था, यह उसके क्या था, उसके घमंड का टूट जाना था, घमंड का अंत हो जाना था. When everything was calm, जब सब कुछ शांत हो गया, calm, काम का में शांत, जब सब कुछ शांत हो गया, तुलसी stood straight, तुलसी फिर से खड़ा हो जाती है, सीधा खड़ा हो जाती है. It looked around, वह चारों ओर देखती है. It saw the proud mango tree had fallen, और वह देखती है कि जो घमंडी मैंगो ट्री था वह गिरा हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका स्टोरी जो है वह समाप्त हुआ. इस स्टोरी जो है, यह स्टोरी हमें बताता है कि घमंड जो है यह अच्छा चीज नहीं है. हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए. हमें है ना विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक हमें अपने ज़िंदगी को जीना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा स्टोरी जो है वह आज कंप्लीट हुआ. अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर मैं आऊँगा. और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू.